हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में बागवानों ने आढ़तियों द्वारा बकाया भुगतान न करने व अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर शिमला जिला के नारकंडा में प्रदर्शन और चक्का जाम किया। ठियो के विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे बागवानों का आरोप था कि विभिन्न मंडियों में आढ़तियों द्वारा की जा रही गैर कानूनी वसूली तथा एपीएमसी की लचर प्रणाली से ये स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बागवानों के पिछले वर्षों व इस वर्ष के आढ़तियों ने जो सेब का बकाया भुगतान करना है उसे तुरंत करवाया जाए। हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में बागवानों ने आढ़तियों द्वारा बकाया भुगतान न करने व अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर शिमला जिला के नारकंडा में प्रदर्शन और चक्का जाम किया। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे बागवानों का आरोप था कि विभिन्न मंडियों में आढ़तियों द्वारा की जा रही गैर कानूनी वसूली तथा एपीएमसी की लचर प्रणाली से ये स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि बागवानों के पिछले वर्षों व इस वर्ष के आढ़तियों ने जो सेब का बकाया भुगतान करना है उसे तुरंत करवाया जाए तथा बागवानों से गैर कानूनी रूप से की गई वसूली को तुरंत वापस लौटाया जाए। नारकंडा में किसानों का 3.25 घंटे का राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्का जाम किया। यह जाम प्रशासन के द्वारा दिए गए इस आश्वासन के साथ ही खत्म हुआ। कल से ही किसानों की पेमेंट शुरू की जाएगी तथा 26 अक्टूबर तक निपटाई जाएगी। विधायक ठियोग राकेश सिंघा ने आरोप लगाया कि एपीएमसी अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि आज भी बड़ी संख्या में आढ़ती बिना लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर रहे हैं, परंतु एपीएमसी के इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही सरकार का कोई अन्य विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। ये आज जो कैंथला मोड़ पर आपका जो ये धरना था किसान सभा को लेके, इसमें किस वजह से ये धरना आज हुआ है यहाँ पे? देखिए, व्यापक किसानों का मोर्चा था आज यहाँ पर। जैसे जैसे सीजन समाप्त हो रहा है, एक एक कर आरती अपना बिस्तरा गोल करके गायब हो रहे हैं और सरकार और सरकार का तंत्र एपीएमसी लोकल प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। आज JKB शर्मा, इसने वायदा किया था अपने किसानों से, बागवानों से जिन्होंने इसके पास अपने सेब दिए हैं, बेचे हैं, कि आज उसमें पेमेंट करनी थी, लेकिन वो पिछले 4 दिनों से मोबाइल स्विच ऑफ है और अता पता है नहीं है। यहाँ उसने अपना दफ्तर बंद कर दिया है और लोगों का विश्वास उठ गया है और आज जब कोई था नहीं तो गुस्से में आकर लोगों ने सुबह 11 बजे से अभी तक यातायात बंद रखा और प्रशासन के हस्तक्षेप करने के बाद ही उसको उठाया गया है। प्रशासन ने कहा है कि कल से कार्रवाई शुरू करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि 26 तारीख से पहले पहले वो पेमेंट करेगा। इसमें आने वाले दिनों में अगर ये अभी भी सॉल्व नहीं होता है 26 तक, तो किसान सभा इसमें क्या रुख अपनाएगी? देखिए, अभी किसान सभा एक ही है ना, किसानों को अलार्म बंद करने का प्रयत्न किया जा रहा है और संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं है। 2015 से भी बहुत से किसानों को आज तक अपनी पेमेंट नहीं हुई है। कानून ये कहता है नीलामी के बाद सेब आरती का हो जाएगा और पेमेंट किसान के जेब में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा।